हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी एंड सॉफ्ट मलाई कोफ्ते की रेसिपी, वो भी बिना फ्राई करे हुए। जी हाँ, हमने इन मलाई कोफ्तों को बिना फ्राई करे हुए बनाया है ऑयल में, और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो मैंने इस लिस्ट में आपको दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं, और उन्हें 4 पीसेस में कट करके हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसके लिए हम सिर्फ इसमें 1 विसल लेंगे। कुकर में मैंने डाल दिए हैं इसे, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बस 2 विसल आने तक इसको हम बॉईल कर लेंगे, और फिर बाद में कुकर से निकाल के इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 5 बड़े साइज़ के टमाटो ले लिए हैं, टमाटर, और 2 हरी मिर्च ली है, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है। और इन सबको हम रफली चॉप करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे कट करके। तो इसका रेशियो ये है कि जितने हम अनियन लेते हैं करीब करीब उसके डबल जितने हम टमाटोज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े टमाटोज हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 टमाटो का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 10 से 12 काजू ले लेंगे, जिसे मैंने हाफ में कट कर लिया है, और उसे हम 15 मिनट के लिए ल्यूकवॉर्म मिल्क में भिगो देंगे। तो चलिए अब हम कोफ्ते बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज के आलू लिए हैं, और 200 ग्राम जितना पनीर लिया है, और इन दोनों को हम मीडियम साइज के ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पनीर घिस लिया है। अब इसी तरीके से हम आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से आलू ग्रेट हो गए हैं। ये हम इसलिए करते हैं जिससे हम जब कोफ्ते बनाएं तो इसमें कोई भी आलू के चंक्स या पनीर के चंक्स ना आए। और अब इन दोनों को हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर, ये मैंने घर पे ही बनाया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1-4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हम हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर, या आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अरारोट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मिला के हम एक चपाती जितना स्मूथ इसका दो तैयार कर लेंगे, और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो काजू भिगो के रखे थे उनका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हुआ है। इसको भी मैं अलग बोल में निकाल लेती हूँ, और फिर उसी मिक्सी ग्राइंडर में हम जो हमारे प्याज बॉयल थे, ठंडे हो गए हैं अब, उनको भी हम पीस लेंगे, और इनका भी हम एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, आइए अब हम कोफ्ते बनाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू और किशमिश लिया है मैंने। कोफ्ते बनाने के लिए हम हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और एक लेमन साइज़ का बॉल निकाल लेंगे, और उसको फ्लैट करके इस तरीके से, देखिए इसमें काजू और किशमिश स्टफ़ करेंगे, और अच्छी तरीके से हाथों की हेल्प से रोल करते हुए इसे सील कर देंगे। बहुत अच्छे से सील करना है इसे हमें, और इसका बहुत स्मूथ सा एक बॉल बना के रेडी करना है। क्योंकि मैं ये नॉन फ्राइड बना रही हूँ तो मैंने इसे राउंड शेप में बनाया है। आप अगर आप फ्राई करने वाले हैं तो आप किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। आप इनको डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसका प्रोसेस दोबारा से बता रही हूँ। 2 लेकर इसमें स्टफ़ करके, और इस तरीके से राउंड शेप का बोल बना के हमें रेडी करना है। तो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, और उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए।
ये देखिए इस तरीके का बॉल बना के मैं सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेती हूँ कोफ्ते के। तो मैंने सारे कोफ्ते के बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बने हैं ये। तो आइए इन्हें सेक लेते हैं हम। तो अब मैंने एक अप्पे पैन ले लिया है और उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है ब्रश की हेल्प से। और इसमें हम डालेंगे कोफ्ते, एक एक करके सारी कोफ्ते हम इसमें रख देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है नॉन ऑयली कोफ्ते बनाने का। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से कितने अच्छे सिक्के रेडी हुए हैं। और इस तरीके से हम 3-4 मिनट के बाद इसे पलटते हुए इसी तरीके से सारी तरफ से सेक लेंगे। वाओ कितना बढ़िया अच्छा कलर आया है इसका। इस तरीके से हमें सारे कोफ्ते सेकने हैं। तो चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर। बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो सिर्फ देसी घी या सिर्फ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन का पेस्ट जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। और इसे अच्छे से 1 मिनट तक इसे चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप खाते हैं तो अनियन जिंजर गार्लिक यूज़ कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर लिया है। और जैसे ही हम टमाटो ऐड करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे नमक, जिससे टमाटो अच्छी तरीके से और जल्दी भी पक जाए और अपना तेल भी जल्दी से रिलीज़ कर दें। अब हम इसे ढक के रख देंगे, करीब 10 मिनट के लिए ढकेंगे इसे। और देखिए टमाटरों बहुत अच्छा कलर आया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो घर की फ्रेश मलाई होती है उसको ही फेंट के ले लिया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है ग्रेवी का। तो मलाई के हफ्ते में काजू का पेस्ट मैंडेटरी होता है, इसे स्किप मत कीजिएगा। और अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले। मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून जितना, 1.5 या 1.5 टीस्पून जितना मैंने कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और लाल मिर्च भी आप इसमें कश्मीरी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मलाई कोफ्ता थोड़ा मीठेपन पे होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे 1 कप जितना दूध और 1 कप जितना ही पानी ऐड किया है, क्योंकि हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई थी और मलाई कोफ्ते में थोड़ी पतली ग्रेवी चलती है। और अब हम इस टाइम पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बॉईल आने देंगे, क्योंकि कोफ्ते भी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहिए होगी। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है और बहुत ही यमी बना है ये, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आइए चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल में कोफ्ते ले लिए थे और उसके ऊपर से हमने ग्रेवी को ऐड किया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे क्रीम और धनिया पत्ते के साथ। तो ये देखिए कितनी यमी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। कलर भी कितना अच्छा आया है हमारी ग्रेवी का। और देखिए बने हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं ये। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो कहिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।